नमस्कार, मैं हूं बबली शर्मा। आप देख रहे हैं राष्ट्र खबर। शुरुआत करते हैं इस वक्त के बुलेटिन की। स्वतंत्रता दिवस के पावन अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लाल किले पर झंडा फहराया। पीएम मोदी ने कहा कि हमारे देश की सेना करुणा, माया और ममता के साथ हर जगह लोगों की मदद के लिए तैयार रहती है, और सेना जब संकल्प लेकर पड़ती है तो सर्जिकल स्ट्राइक करके दुश्मनों के दांत खट्टे करके आ जाती है। पीएम मोदी ने कहा कि तीन तलाक की कुरीति ने मुस्लिम महिलाओं बहनों की जिंदगी को तबाह कर दिया है। जिनको तलाक नहीं मिला है वे भी दबाव में हैं। मैं विश्वास दिलाता हूं कि मुस्लिम महिलाओं बहनों और बेटियों को न्याय और हक के लिए हर प्रयास करूंगा। नारनौल विधानसभा चुनाव नजदीक नहीं है, लेकिन अभी से नेताओं ने जनता की नब्ज टटोलनी शुरू कर दी है। हरियाणा के पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने भी जन क्रांति यात्रा के माध्यम से जनता के बीच पहुंच रहे हैं। इसी कड़ी में उनकी यात्रा को नारनौल विधानसभा क्षेत्र के अनेक गांव का दौरा किया और सत्तारूढ़ दल बीजेपी पर अनेक मुद्दे को लेकर प्रहार भी किए। हुड्डा का कहना है कि बीजेपी सरकार में महंगाई बढ़ी है, साथ ही अपराध दिन प्रतिदिन बढ़ते जा रहे हैं। बीजेपी ने जो वायदे किए थे आज वो सब जनता के बीच पूरे नहीं किए जा रहे। बहुत जबरदस्त समस्याएं हैं, जैसे वृद्ध पेंशन है, किसान बर्बादी के कगार पे है, कर्मचारी परेशान है और कानून व्यवस्था बिल्कुल चरमरा गई है। समस्या ही समस्या है। व्यापारी को भी सुरक्षा नहीं है, किसी को भी सुरक्षा नहीं है। तो ये हर वर्ग इस सरकार से विमुख हो चुका है, और क्योंकि उन्हें तोल के देख लिया है। चौधरी ओम प्रकाश चौटाला की सरकार भी तोल के देख ली, हमारी भी देखी और अब भाजपा की देखी है, तोल के देख लिया। और इसी वास्ते हम जहाँ पे भी करते हैं जनसभा, इतनी जबरदस्त भीड़ उमड़ के आती है कि उससे पता होता है, उससे साफ संकेत है कि लोगों ने मन बना चुके हैं। वो उस दिन के इंतजार में है जिस दिन उनको मौका मिलेगा और इस सरकार को खदेड़। घोषणाएं हमारी हैं, जो हमने पहले कहा वो किया। जैसे पेंशन है, बुढ़ापा पेंशन 3,000 रुपये हम करेंगे, और किसान का जिस प्रकार यूपीए सरकार ने, क्योंकि AICC में प्रस्ताव भी पास हुआ है, जैसे यूपीए के टाइम में किसान का कर्जा और गरीब आदमी का कर्जा माफ किया, वो भी करेंगे क्योंकि कर्जे में दब गया है। बढ़ते आगे बात करते हैं झज्जर की। झज्जर में SYL मुद्दे पर इनेलो के 18 तारीख को किए जाने वाले हरियाणा बंद को प्रदेश की निकाय मंत्री कविता जैन ने बेबुनियाद बताया है। साथ ही ये कहा है कि इस मामले में कांग्रेस और इनेलो दोनों ही पार्टियां राजनीति कर रही हैं। तो वहीं कविता जैन ने मंगलवार को झज्जर में महाराजा अग्रसेन चौक का उद्घाटन किया और उन्होंने इस मौके पर यह भी आरोप लगाया कि आज भी कुछ स्वार्थी लोग और राजनीतिक पार्टियां हरियाणा का माहौल खराब करने का प्रयास कर रही हैं। लेकिन उन्हें यह नहीं भूलना चाहिए कि हरियाणा की जनता ऐसे स्वार्थी लोगों के मंसूबे पहचान चुकी है। साथ ही कविता जैन ने दावा किया है कि 18 अगस्त को किए जाने वाला हरियाणा बंद पूरी तरह से असफल रहेगा। देखिए, कुछ एक लोग पिछले दिनों जो भी आरक्षण की आग के दौरान हुआ, कुछ लोगों ने, बाहरी लोगों ने, मैं समझती हूँ कि हमारे भाईचारे को समाप्त करने की कोशिश की, लेकिन उसके साथ साथ जिस तरह से CBI की जो रिपोर्ट वो सामने आ रही है उसकी परतें खुल रही है, तो कहीं ना कहीं इसका जो इशारा है, जो नज़र है, वो हमारे खुद के हरियाणा के लोग और जो प्रमुख लोग रहे हैं उनके ऊपर भी रहा है। देखिए, इसमें जब अगर आप देखें कि खुद जैसे कांग्रेस इनेलो पर प्रहार कर रही है या इनेलो कांग्रेस पर प्रहार कर रही है कि जब SYL नहीं बनी तो इसकी वजह से नहीं बनी, इसकी वजह से भी नहीं बनी, और आप तो पत्रकार साथी बंधु हैं और निश्चित रूप से आप जान सकते हैं इन दोनों पार्टियों ने लंबे समय तक हरियाणा की राजनीति के अंदर राज किया, और इन दोनों के समय भी ये चाहते तो SYL नहर का निर्माण करा सकते थे, और आज तो ये केवल और केवल हमारे प्रदेश की जनता को गुमराह कर रहे हैं। फतेहाबाद के भुना इलाके में पुलिस के जरिए एक्सीडेंट के मामले में कार्रवाई नहीं करने से नाराज परिवार भुना थाना के गेट पर धरने पर बैठा। तो वहीं पीड़ित परिवार का आरोप है कि भुना थाना प्रभारी रमेश किरमारा ने आरोपियों के साथ मिलकर खाली कागज कर पीड़ित के साइन करवाए। गांव के पूर्व सरपंच जोगिंदर सिंह के भतीजे पर बाइक सवार को कुचलने का आरोप लगा है। इस हादसे में पीड़ित के मामा रामफल ने बताया कि वह लगातार कार्रवाई को लेकर पुलिस थाने के चक्कर लगा रहे हैं, लेकिन पुलिस कोई कार्रवाई नहीं कर रही। उन्होंने आरोप लगाया कि भुना पुलिस आरोपियों के साथ मिली हुई है और अब इसी कारण उन्हें धरने का सहारा लेना पड़ा है। तो इसका एक्सीडेंट 7 तारीख 6 महीने की 2018 में हुआ था।
जो एक्स सरपंच है गांव के जोगिंदर सिंह, उसके ट्रैक्टर से एक्सीडेंट हुआ इसका, और वो एक्स सरपंच उसको उठा के ले गया है, पहले फतेहबाद ले गया है, फिर जिंदला हॉस्पिटल में ले गया है। जिंदला हॉस्पिटल में वहाँ भूप सिंह एसआई को मिल के वहाँ इनके बयान पलटवाए गए, ये नशे में था, दवाइयों का नशा था इसको, कोरे कागज पर इसके अंगूठे लगवाए गए हैं। अच्छा सरपंच साहब को ये कहा था भाई सारा भरपाई मैं पूरी कर दूंगा, हम इसको बाद में हमें कुछ नहीं दिया है, बाद में हमें जाति सूचक गालियाँ भी दी गई है, उसके बाद में हमने बुढ़ना पुलिस में 3 बार दरखास्त लगाई है, हमारी कोई सुनवाई नहीं हुई जी अभी लग। फरीदाबाद के कैबिनेट मंत्री विपुल गोयल ने भुड़ेना गांव में 49 लाख की लागत से बनने वाली सड़क और नालियों के काम शिलान्यास किया, साथ ही इस मौके पर गांव के सभी व्यक्ति मौजूद रहे। तो वहीं गांव में बुजुर्ग ने जेसीबी मशीन पर नारियल फोड़कर कार्य का शुभारंभ किया। उन्होंने नगर निगम की फाइनेंस कमेटी विकास कार्यों की फाइलें रोकने के मुद्दे पर नाराजगी जताते हुए कहा कि इस मुद्दे पर वह सीएम को शिकायत कर चुके हैं और अब देखना होगा कि नगर निगम में विकास कार्यों की फाइलें क्यों अटकी हुई हैं। विकास कार्यों की फाइलें तकनीकी कारणों से रुकी हुई हैं या फिर जानबूझकर रोका गया है, फिलहाल इस मुद्दे पर कैबिनेट मंत्री विपुल गोयल ने एक्शन के मूड में दिखाई दे रहे हैं। 49 लाख रुपए की लागत से नालियां और 16 लाख रुपए की लागत से 63 लाख रुपए के कामों का उद्घाटन यहां पर किया गया और बेसिक सुविधाएं जो और यहां पर चाहे सीवरेज की लाइन है चाहे पानी की लाइन है सबका काम तो ऑलरेडी चल ही रहा है, कंप्लीट भी हो गया है और बहुत सारे काम होने बाकी हैं। 7 करोड़ रुपए की रोड हमने सेंक्शन कराई है जो कि उसका हफ्ते 10 दिन के बाद उद्घाटन करेंगे। फरीदाबाद में 4 साल की मासूम के साथ बलात्कार करने वाले आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। वहीं आरोपी ने मोबाइल पर यह कहा है कि गंदी फिल्म देखकर वारदात को अंजाम दिया गया। यह मामला दिल्ली से सटे फरीदाबाद का है जहां 2 दिन पहले हुए बलात्कार के मामले में पुलिस ने आरोपी युवक को गिरफ्तार कर अदालत में पेश किया है जहां से उसे न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। वहीं आरोपी युवक ने अपना गुनाह कबूल कर लिया है। उसके मुताबिक मोबाइल पर अश्लील फिल्म देखने के बाद उसका दिमाग खराब हो गया था और उसने इसलिए छोटी बच्ची को अपना शिकार बनाया। ग्यारह तारीख को कंट्रोल रूम से एक फोन प्राप्त हुआ था कि सहारन के एरिया में छोटी बच्ची के साथ रेप हो गया है, जिस पर हम सब मौके पर पहुंचे। मौके पर पहुंचने के बाद जो पीड़िता है उसके मौसे के स्टेटमेंट में हमने FIR लॉज की, बच्ची को BKH में दाखिल करवाया और घटनास्थल से जो भी साक्ष्य थे वो इकट्ठे किए। अधिकारियों ने 4-5 टीम गठित की जो सारी टीम ने प्रयास करके और आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है, जिसको आज पेश अदालत किया गया जो नीम का जेल में बंद करवा दिया है। यमुनानगर के कस्बा जठलाना में पिछले 2 दिन से 1 लाश को लेकर दलित समाज के लोगों ने जमकर हंगामा किया। साथ ही ऐसे में दलित समाज के लोग पहले तो यमुनानगर करनाल मार्ग को जाम कर दिया, उसके बाद घंटों तक शव को लेकर सड़क पर बैठे रहे। लेकिन दलित समाज के कुछ लोगों ने आरोपियों की गिरफ्तारी को लेकर लाश सड़क के बीच में रख दी और पुलिस पर दबाव डालना शुरू कर दिया। मामला यही नहीं थमा, पुलिस ने 3 लोगों को गिरफ्तार किया। वहीं DSP ने SDM को लाश को कमेटी के हवाले करने के लिए कहा तो साइन कर इन्हें इसकी आज्ञा दी गई। जिस भाई का मर्डर हुआ है राजपूत समुदाय के द्वारा, उसका मर्डर किया गया, हम लोगों की और पूरे दलित समुदाय की सेटिस्फेक्शन नहीं हुई, संतुष्टि नहीं हुई कि जिससे हम लोग इसका संस्कार करा सकें। अब हमारी रणनीति है कि हम इसको नेशनल हाईवे पर लेके बैठेंगे। अगर आज हम लोग इस देश के वासी हैं, हम लोग रदौर विधानसभा से हैं, यहाँ के जो हमारे विधायक हैं उनके लिए, उनके पास हमारे लिए वक्त नहीं है, जो हमारे DC साहब हैं उनके पास नहीं, SP साहब, हमारे लिए किसी के पास तो थोड़ा सा वक्त होना चाहिए। हम भी इस देश के वासी हैं, अब हम लोगों का अगर आज कोई निवारण नहीं करते ये लोग, कोई सॉलिड सा कार्रवाई नहीं होती, उसके बाद हम कल राज्यपाल साहब आ रहे हैं हमारे यमुनानगर में, कल हम इस लाश को लेकर वहाँ पर बैठेंगे दल बल के साथ, जब तक इस भाई को, जब तक इसके छोटे छोटे 3 बच्चों को जो बेटियां हैं इसकी, उनका हम लोग इंसाफ नहीं दिला देते उनको, तब तक ये लड़ाई हमारी जारी रहेगी। एक महेंद्र नाम का व्यक्ति मॉडल टाउन करेड़ा से, उसकी डेथ हो गई थी। उसके 2 दिन बाद इन्होंने, जैसे ही वो वहाँ से आया है और डेथ हुई है, कोई एप्लीकेशन नहीं कुछ नहीं, उसके बाद पुलिस को जैसे इन्फॉर्म हुआ, पुलिस वहाँ पे पहुँची है मौके पे, सारी उसका पोस्टमार्टम वगैरह कराया, सारा कुछ कराया, कार्रवाई के बाद उन्होंने 3 बंदों के ऊपर शक भी जाहिर किया जो पुलिसी रास्ते में हैं और अब उनसे पूछताछ की जा रही है। जो इनका ये था कहने का कि हम अभी तीनों आदमी जो हैं वो हमारे दोषी हैं,
और हमें जो भी उन्होंने मांगे रखी वो SDM साहब ने भी उनकी मानी, उन्होंने विज्ञापन के लिए कहा तो ज्ञापन भी दिया और उसके बाद फिर संतोष होके उन्होंने जाम खोला। कानून में कोई लचक नहीं थी, कानून के अपने हिसाब से चल रहा है, वो हमारी कार्यशैली से बिल्कुल संतुष्ट हैं। अब वो जो वो कह रहे हैं कि उनका वर्जन ये है कि गरीब आदमी हैं उसको 50 लाख रुपए दिए जाएं, ये क्या वो बीच में कुछ ऐसे तत्व हैं जो बीच में अपनी रोटियां सेकते हैं, उस वजह से कोई थोड़ी सी प्रॉब्लम आ रही है, वैसे कोई प्रॉब्लम नहीं है। फिलहाल मेरे साथ इस बुलेटिन में इतना ही, देखते रहिए राष्ट्र खबर, नमस्कार।